हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ यार एश एंड टोन के रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप कुछ इस तरह से मैं बताऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाई जो टोन है ना और एश है ना, तो सबको लगता है कि सरीना और ऐश की जोड़ी बेस्ट है। किसको लगता है कि मिस्टी और ऐश की जोड़ी बेस्ट है? किसको लगता है कि मैं और ऐश की जोड़ी बेस्ट है? और कोई यार डॉन की बात कर रहा है, डॉन भी बहुत अच्छी दिखती है और वो क्रिटिकल है, क्रिटिकल है। तो उसके बारे में क्यों कोई नहीं बात करता? क्यों उसके बारे में कोई पूछता नहीं है? तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। और भाई हम शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई डॉन है ना, जो डॉन है उसके पास बहुत सारे अलग अलग पोकेमोन है और वो आई थी डायमंड एंड पॉल सीरीज में, जो अपनी सीजन शुरू हुआ था। और उसमें वो डॉन का एक रोल है कि वो बनना चाहती है पोकेमोन कोऑर्डिनेटर या कहे हम पोकेमोन परफॉर्मर। ऐसे डॉन एंड ऐश का रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी छोटी सी लड़ाई, कभी कभी छोटी सी बातें, कभी कभी प्यारी सी, बहुत ही अच्छा अच्छा रिलेशनशिप है। और भाई इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा है इमोशन भी मिलता है और बहुत ज़्यादा एक्शन भी मिलता है। पर हम बात करना चाहते हैं डॉन और ऐश के रिलेशनशिप के बारे में। तो भाई पॉल भी आता है इस सीरीज में, तो आप लोगों को लगेगा पॉल और डॉन का है। तो नहीं भाई, पॉल और मे का तो पहले ही चक्कर तो चल चुका है, उसमें क्या बात है। तो डॉन और ऐश के लिए बहुत ही अच्छी प्रीटी गर्ल है। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि डॉन के लिए सरीना बेस्ट नहीं है, डॉन के लिए मिस्टी बेस्ट नहीं है। यार ऐसा नहीं है कि वो दोनों बेस्ट नहीं, वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं। पर डॉन है जो अपनी फीलिंग्स को बताती नहीं है ऐश को, क्योंकि वो थोड़ी से थोड़ी ऐश को पसंद करती थी, जैसे मिस्टी थी जो ऐश को पसंद करती थी, पर उसे ही पता नहीं था वो ऐश को पसंद करती है। हमें दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, और ऑरेंज आइलैंड में मिस्टी के बारे में दिखाया जाता है कि वो ऐश को पसंद करती है। तो टोन के बारे में आप लोगों कहाँ से कहाँ आपको बहुत अच्छा लगा, तो हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताना। इसी के साथ हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। पर भाई डॉन के लिए बोलने के लिए बहुत सारे शब्द है कि हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप लोगों को कैसा लगता है डॉन और ऐश का रिलेशनशिप, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई मेरा फर्स्ट वीडियो है जो वॉइस वीडियो है, तो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करना ज़रूर है। और मुझे अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो डालना चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करना। और भाई मैं एक बात बताना चाहूँगा, डॉन भाई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि डॉन को अगर आप बिना टोपी के देखेंगे तो वो सबसे हॉट लगेगी। हॉट बोले तो अच्छी दिखेगी यार, बिना टोपी के क्यों? तो आप टोपी के भी वैसे वो अच्छी दिखती है, पर बिना टोपी के बहुत ही और अच्छी लगती है। और वो कपड़े जो स्टाइलिश पहनती है अपने कोऑर्डिनेटर के रूप में, तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती है। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में, मुझे यही लगता है। और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर। आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, जिससे आप लोगों को पता चलेगा डॉन के फैन ऐश के फैन तो है ही है, वैसे क्या बात है। तो चलो वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और अगली बार हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।